अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसर महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने प्लगइन्स के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था और ये देखा था कि bubble.io में प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए और ओवरऑल प्लगइन का क्या मतलब होता है। इस वीडियो में हम एक स्टेप नेक्स्ट मूव करेंगे और एक्चुअली कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करके जो UI रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कैलेंडर UI हो और वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट bubble.io में अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली कुछ प्लगइन्स को सर्च करेंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे और उनके थ्रू एक कैलेंडर UI को अपनी bubble.io ऐप में इंसर्ट करेंगे और उसके अलावा कुछ और प्लगइन्स को भी देखेंगे कि उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुंचे थे, हमने ये देखा था कि प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का हमारे पास ये तरीका है कि इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें, इंस्टॉल मोड पे ये हमारे पास एलिमेंट्स को ओपन कर देगा बेसिकली प्लगइन्स को, और वहां पे ये प्री सिलेक्ट कर देता है एलिमेंट टाइप को। एलिमेंट टाइप वो वाले प्लगइन्स हैं जो के UI में नजर आएंगे। इवेंट टाइप, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये इवेंट बेस्ड है, एक्शन जो है ये वर्कफ्लो बेस है, API जो है वो डेटा बेस है, स्टोरेज जो है ये भी डेटा बेस है, लॉगिन सर्विसेज जो थर्ड पार्टी लॉगिन सर्विसेज हैं उनके रिलेटिव है, और बैकग्राउंड सर्विसेज ये कुछ बैकग्राउंड रिलेटेड टास्क है जैसे कि पुश नोटिफिकेशन या इस तरह के काम हो सकते हैं। इसको अगर चेक करके अनचेक करते हैं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एनालिटिक्स ये बैकग्राउंड टास्क होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये बैकग्राउंड टास्क होता है, इस तरह के जो टास्क होते हैं ये सारे प्लगइन्स के थ्रू किए जा सकते हैं। अभी के लिए हम एलिमेंट प्लगइन से कंटिन्यू करेंगे और वंस अगेन हम स्टार्ट करेंगे एक कैलेंडर UI प्लगइन से। मैं यहां पे सर्च करूंगा कैलेंडर, इसी के साथ ये यहां पर प्लगइन्स को उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर देगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो प्लगइन है वो ऑफिशियल प्लगइन है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कम्युनिटी प्लगइन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉल ज्यादा है लेकिन हम टेस्टिंग के लिए इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और कम्युनिटी प्लगइन है और बेसिकली इन सारे प्लगइन्स की जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, अभी के लिए मैंने ये दो प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। इसे क्लोज करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बिल्ड ऑन बबल यहां तक एलिमेंट्स थे, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे इन दो प्लगइन्स की वजह से आए हैं। कौन सा एलिमेंट किस प्लगइन की वजह से आया आप वापस इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं और उसी तरह या फिर आप इजी वे को यूज करने के लिए यहाँ पे प्लगइन्स के टैब में आ सकते हैं। ये दो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं तो आप जिस प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैलेंडर प्लगइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि इसने एलिमेंट्स में कैलेंडर इस एलिमेंट को इंसर्ट किया है और इवेंट्स में अ कैलेंडर इवेंट इज क्लिक्ड एंड अ कैलेंडर डे इज क्लिक्ड, इन दो इवेंट्स को ऐड किया है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि इसने इन एलिमेंट्स को ऐड किया है और इन एक्शंस को ऐड किया है। मैं यहां पे आके अगर देखता हूं इसने क्या कहा है कि कैलेंडर एलिमेंट को ऐड किया और इसने क्या कह रहा है कि वीक मंथ टाइम स्लॉट और एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इसको ऐड किया। मैं डिजाइन में वापस आता हूं, इसका मतलब ये जो कैलेंडर था ये bubble.io की वजह से ऐड हुआ है और ये बाकी जो तीन नीचे वाले और ये ऊपर वाला जो चार एलिमेंट्स हैं ये उस दूसरे कम्युनिटी प्लगइन की वजह से ऐड हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल प्लगइन से। कैलेंडर पे क्लिक करते हैं और यहां पे मैं ड्रैग करके इसको करता हूं और अब आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए थी वो यहां पे फुलफिल हो रही है। मैं चाहता था कि मेरे पास एक कैलेंडर हो और वो यहां पे इंसर्ट हो चुका है। ये कैलेंडर हमारा इस प्लगइन की वजह से ऐड हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये इस कैलेंडर के ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं इस प्लगइन को इसकी विड्थ एंड हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, यहां पे आके विड्थ पे क्लिक करता हूं और इसको बेसिकली 100% कह देता हूं तो ये हो गया। इसको प्रीव्यू में लेके आते हैं, यहाँ पे ये जरा इजिली नजर आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह शो हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सारा आप यहाँ पे अपीयरेंस से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आप सेट करना चाहें, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं।
और उसके अलावा भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी के लिए हम इसके ऑप्शंस की डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं इस एलिमेंट को अब डिलीट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट जो हमने दूसरे एलिमेंट्स ऐड किए थे कम्युनिटी प्लगइन के साथ, उनके साथ उनको ऐड करके हम देखेंगे। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हम एक कम्युनिटी प्लगइन को यूज करते हुए एक कस्टम कैलेंडर यूआई कैसे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो bubble.io का ऑफिशियल कैलेंडर है ये काफी अच्छा है, लेकिन ये बेसिकली प्री कन्फिगर्ड है। इसमें काफी ऑप्शंस हमारे पास हैं लेकिन फुली कस्टमाइजेबल नहीं है। लेट्स से कि मैंने बेसिकली यहाँ पे इसकी फॉर्मेट चेंज करनी है या मुझे इस बटन को नेक्स्ट लिखना है, इस तरह के काम करने हैं, कस्टम फुल कस्टम कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली ये जो दूसरा मैंने प्लगइन ऐड किया है वो ज्यादा बेहतर है। उसको यूज करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां से आप कैलेंडर मंथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें एक मंथ का कैलेंडर चाहिए पूरा, और ये सिर्फ और सिर्फ कहने के उस कैलेंडर के लॉजिक को संभालेगा कि अच्छा उसके काम करने का तरीका क्या होगा, जो सारी कैलकुलेशन है वो संभालेगा, ये यूआई नहीं इंप्लीमेंट करेगा। यहां से स्टार्ट डे को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका संडे है तो उसको वही रहने दें। एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे एंड भी आके आर्बिट्रेरी डेट और 2024 इसको कर देता हूँ। ओह सॉरी, मुझे पूरी डेट लिखनी पड़ेगी, लेट्स से 2024 02 01। ओके, ये वैलिड है और यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे ये वैलिड ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको डेट आ गई है, अब हमने इस यूआई को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि हम खुद इस यूआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर की यूआई को ओपन कर लेता हूँ जरा आसानी रेफरेंस के लिए, ये बेसिकली उस पे चला गया, उस प्लगइन की यूआई पे कैलेंडर और इसकी यूआई पे आ गया, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैलेंडर की यूआई में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सात कॉलम है और 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 ओके, इसमें 5 आ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल होता है ना जिसमें बेसिकली 42 डेज होते हैं वो 6 कॉलम्स पे होता है। मैं लेट से देखते हैं कि अगर हमें वो अगर मिल सके। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा, जो नॉर्मल 42 डे फॉर्मेट होता है उसमें बेसिकली 6 लॉज होती हैं। उसके लिए हम यहाँ से एक रिपीटिंग ग्रुप लेंगे, कोई भी डाटा हमें रिपीट करवाना हो, बेसिकली आपके पास डाटा है और आप अरे ऑफ डाटा है, लेट्स से कि अरे ऑफ यूजर्स हैं, एक अरे है उसमें यूजर 1 है 2 3 और इस तरह 100 यूजर्स हैं, आप चाहते हैं कि वो सारे यूजर्स आप डिस्प्ले करवाएं, तो सारी बात है आपको यूआई तो ग्रुप के साथ ही बनानी पड़ेगी, लेकिन उस यूआई को रिपीट करने के लिए आपके पास रिपीटिंग ग्रुप है। आप सबसे पहले जितना बेसिकली आपको जितनी विड्थ में वो रिपीटिंग ग्रुप चाहिए उसको कर लेंगे, ये मैंने कर लिया। अब इसको हम बाद में सिलेक्ट करेंगे, हम इसको पहले रोज और कॉलम्स को कॉन्फ़िगर कर देंगे। मैंने कहा कि मुझे 6 रोज चाहिए, यहां से 6 और कॉलम मुझे 7 चाहिए। ये देखें ऑलमोस्ट टेबल लाइक यूआई आ गई। अब इसका जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है कि डाटा कहां से आएगा इसका, वो टेबल टाइप ऑफ कंटेंट इसे सिलेक्ट करूंगा और डेट हम यहाँ पे शो करवाएंगे। वंस अगेन ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हम थ्रू आउट द कोर्स इस तरह की चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें ये चीज भी अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट, डेटा सोर्स क्लिक करूंगा और डेटा सोर्स ये इस कैलेंडर से आएगा, उसका क्या नाम है, कैलेंडर मंथ ए, ये ऊपर आ रहा होता है, ये यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट्स, इस पर सिलेक्ट कर लिया और इससे मुझे लिस्ट ऑफ डेज चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैंने दिनों को शो करवाना है, लिस्ट ऑफ डेज, और इसी के साथ ये करेक्ट हो गया। अगेन ये जो रिपीटिंग यूआई है इसने सिर्फ और सिर्फ रिपीट करना है एक ग्रुप को, लेकिन किस ग्रुप को, वो ग्रुप हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और पहले ये देखें जब मैं इस पे आता हूं तो ये शो होता है, लेकिन बाकी कोई भी मतलब ये रेड लाइन और किसी ग्रुप पे नहीं आती क्योंकि ये यहाँ पे जो भी यूआई मैं बनाऊंगा वो इन सारे बाकी ग्रुपों में रिपीट होगी, ये इस वजह से रिपीटिंग ग्रुप है। इसमें मैं इसे कर देता हूं और ये देखें जब मैं इससे बाहर निकलता हूं तो वो इनवैलिड हो जाता है, वो कह रहा है कि ये इस रिपीटिंग ग्रुप में नहीं आएगा, ये बाहर आएगा, तो ये रेड यूआई आनी चाहिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं उसकी लेआउट थोड़ी चेंज हुई है।
नेक्स्ट इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, वंस अगेन ये डेट ही है लेकिन सोर्स क्या है, सोर्स बेसिकली करंट सेल्स डेट है ये, क्योंकि करंट सेल का मतलब है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो करंट जो आइटम है ना उसकी डेट है और वो बेसिकली पेरेंट से आ रही है। बाहर क्लिक करूंगा, ये डन हो गया। उसके बाद अब इस ग्रुप में मुझे जो भी शो करवाना है, मैं इमेज शो करवाऊं, टेक्स्ट शो करवाऊं, जो मर्जी शो करवा सकता हूं। मैंने क्योंकि यहाँ पे दिनों का नंबर शो करवाना है तो मैं टेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ पे इसे ऐड कर दूंगा। ओके ये देखें यहाँ पे मैंने ऐड किया, सब जगह पे रिपीट हो गया। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और आप देखेंगे कि वो हर जगह पे रिपीट होता है, ये रिपीटिंग ग्रुप है। और अब मुझे डायनामिक डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है कि डायनामिक डाटा इंसर्ट डायनामिक डाटा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं बेसिकली पेरेंट ग्रुप जो कि ये पेरेंट ग्रुप है, इसको मैंने ग्रुप में रखा है, उसकी डेट मुझे चाहिए, उसको मैं फॉर्मेट कर लूंगा, फॉर्मेट एज, और फॉर्मेट में मैं इसको कस्टम पे लेके जाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फुल कस्टम फॉर्मेट है ना उसको एक्सप्लेन किया गया, हर एक ऑप्शन को बता दिया गया कि इससे क्या होगा। आप चाहें तो इसी के साथ क्लोज करके इसको प्रीव्यू करके देख ले कि इससे क्या क्या शो हो रहा है, आप एक एक चीज को रिमूव करके समझ सकते हैं, क्योंकि इसको रिमूव करूंगा तो ये होगा। मुझे अभी के लिए सिर्फ ये चीज चाहिए, डे है जो, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप बाकी सब को टेस्ट कर सकते हैं। ये डीडी आएगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, बाकी सबको कट और सिर्फ वो ऐड कर दूंगा। इस वजह से ये प्लगइन इतना अच्छा है कि हम बेसिकली अपनी यूआई को खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरह चाहें उस तरह की यूआई बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूआई कंप्लीट हो गई है और बाकी भी हम सारा इसमें बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हम इसमें कंट्रोल करना चाहें। यहाँ पे अगर आपने वो नेक्स्ट और प्रीवियस वाली इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास इवेंट्स हैं, वो चीज हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम यहाँ पे कस्टम नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर दो बेसिकली बटन्स ऐड करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट, और जैसे कि उनके नाम से जाहिर है जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट मंथ पे चला जाए, यूआई को अपडेट करे, और जब मैं प्रीवियस पे क्लिक करूं तो ये प्रीवियस मंथ पे चला जाए, ये एंड रिजल्ट रिक्वायर। मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले यूआई एलिमेंट्स को ऐड कर लूंगा, प्रीवियस, ये प्रीवियस के लिए यूज करूंगा मैं, और एक और बटन मुझे चाहिए नेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये बेसिकली कॉलम लेआउट है, इस वजह से इस तरह हो रहा है। आपने अगर साइड बाय साइड रखना है तो आप एक ग्रुप को लें, ग्रुप को ऐड करें और इन दोनों को ग्रुप में मूव कर दें। ओके ये, और ग्रुप की लेआउट को पकड़ के कॉलम की बजाय आप उसको रो कर दें, ये तरीका कार है, और उसको आप स्पेस बिटवीन कह सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ये सारा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे इसको मैं प्रीवियस कह दूंगा, प्रीवियस, और इसे मैं नेक्स्ट कह दूंगा। और अब हम इनके वर्क फ्लो को एडिट करेंगे, वंस अगेन हम थ्रू आउट द कोर्स इसको बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन इस पे स्पेसिफिक वीडियो भी होगी। वर्क फ्लो कोई भी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए वर्क फ्लो होता है, एड वर्क फ्लो, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया कि जब ये बटन प्रीवियस इज क्लिक्ड, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एलिमेंट में आके मैं नेक्स्ट अ मंथ, सॉरी प्रीवियस अ मंथ, और यहां से एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगा कैलेंडर। वंस अगेन इसने यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो ये वाला, ये सारा लॉजिक संभाल रहा है, ये सारी यूआई संभाल रहा है। इस पे आ जाऊंगा, एड वर्क फ्लो, ये एलिमेंट, नेक्स्ट अ मंथ, और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया। प्रीव्यू करेंगे और यहाँ पे अब आप देखेंगे इस यूआई पे गौर करें, नेक्स्ट मंथ चेंज हो गया, प्रीवियस वापिस वही मंथ, प्रीवियस मंथ चेंज हो गया, प्रीवियस पे आ गया। और बाकी हम सारी यूआई भी चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं इसके साथ। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने ऑफिशियल और कम्युनिटी प्लगइन को ऐड किया, इंस्टॉल किया, और उसके बाद हमने उनको यूज किया। हमने ये देखा कि हम एक कैलेंडर यूआई को ऑफिशियल Bubble.io फुल कैलेंडर प्लगइन के साथ यूज करते हुए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि हम एक फुली कस्टम कंट्रोल्ड कैलेंडर यूआई को कैसे ऐड कर सकते हैं कैलेंडर एंड टाइम स्लॉट कस्टम प्लगइन को यूज करते हुए। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.